हेलो एवरीवन, अभी शाम को बहुत अच्छी सी गुड न्यूज़ आई। आप बहुत से लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, बहुत से लोगों के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते थे पेपर देना और बहुत से नहीं भी चाहते थे पेपर देना, और वो तो भगवान से मना रहे थे कि काश पेपर कैंसिल हो जाए, और भगवान ने उनकी सुनी, पेपर कैंसिल हो गया। और पेपर कैंसिल होने के बाद अब जो आया है, आज शाम को आ गई है मार्किंग स्कीम, कि एक्चुअल में जो पेपर कैंसिल हुए हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं, तो उन बच्चों को कैसे मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल एक पढ़ के दिखा देता हूँ। ये इंडिया नेशनल न्यूज़ का एक आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है जो असेसमेंट प्लान्स थे CBSE SSC का। बेसिकली जो हम लोग ऐसे लगातार कंटिन्यूसली न्यूज़ में सुन नहीं रहते कि 40-30 का रेशियो होगा, वो क्या था, वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, बट अभी फ़िलहाल के लिए सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। अभी मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे जो ऑनरेबल एजुकेशनल मिनिस्टर हैं रमेश सर, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थी परिणाम तैयार करने के लिए CBSE इंडिया की नीति एवं प्रक्रिया की संतुष्टि प्रदान करने हेतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बहुत आभार। मतलब ये तरीके से शुक्रिया कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। अब फटाक से हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में मार्किंग स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, और कैसे सारे नंबर्स को अलॉट किया गया है। आप इस चीज़ को जाके आप CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो रेशियो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 40% जो मार्क्स होंगे, ठीक, 40% मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे 12th के प्री बोर्ड के बेसिस पे। जी हाँ, 12th के प्री बोर्ड पे। अभी आपके दिमाग में आ रहा है, अरे भैया मेरा तो एग्ज़ाम प्री बोर्ड का हुआ ही नहीं, तो फिर मुझे 12th के कैसे नंबर मिल सकते हैं प्री बोर्ड के बेसिस पे। उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपका प्री बोर्ड हुआ है या आपके मिड टर्म्स हुए हैं, ठीक है, आपके स्कूल मिड टर्म्स हुए हैं, और अगर मिड टर्म्स भी नहीं हुए हैं तो यूनिट टेस्ट तो हुआ ही होगा, हाँ, तो यूनिट टेस्ट के बेसिस पे फिर आपको सारे नंबर्स को अलॉट किया जाएगा। मतलब अगर 100 नंबर में से 40% नंबर आपको 12th के प्री बोर्ड के बेसिस पे, 12th का प्री बोर्ड नहीं हुआ है तो मिड टर्म के बेसिस पे, और मिड टर्म नहीं हुआ है तो आपके यूनिट टेस्ट के बेसिस पे आपको ये नंबर अलॉट किए जाएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट फिर हमें मिलता है जो 30 नंबर है, मैं 30% जो नंबर होंगे वो हमारे नंबर हमको मिलेंगे 10th के फाइनल एग्ज़ाम से। 10th का तो एग्ज़ाम आपने दिया ही है, ठीक, तो 10th के जो आपने फाइनल एग्ज़ाम्स दिए थे उसमें जो आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि जब आपने 10th का रिज़ल्ट, जब आपने एग्ज़ाम दिया, तो आपका साइंस में अराउंड 95 था, मैथ्स में आपका 90 था, करेक्ट, और हिंदी में आपका मान लीजिए 96 था, ठीक, तो ये आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स हो गए। तो इन बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स को ही कंसिडर किया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको 30% मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, करेक्ट। तो मतलब 40% आपके 12th प्री बोर्ड या फिर मिड टर्म या फिर यूनिट टेस्ट के बेसिस पे, 30% आपको 10th के फाइनल और उसमें भी टॉप 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे, और बाकी के बचे 30% जो रिजल्ट्स होगा, बाकी के जो बचे 30% होंगे वो आपके क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स के बेसिस पे दिए जाएंगे। क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स के बेसिस पे आपको रिजल्ट दिए जाएंगे, करेक्ट। हाँ, वही 11th क्लास जिसमें आपने पढ़ाई नहीं की, तो आपने सोचा था अभी क्या पढ़ें यार, 12th में चल के पढ़ेंगे, करेक्ट, उसी के फाइनल एग्जाम्स के बेसिस पे आपको रिजल्ट आपका अनाउंस होगा, ठीक। अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से 40% 30% एंड 30% ओवरऑल कितना हो गया हमारा 100%, और इसके बेसिस पे अब हम आपका रिजल्ट बनेगा। अब वो बच्चे जिनको लगता है, अरे यार मैंने 11th में पढ़ा ही नहीं था, 11th मेरे पेपर अच्छे गए ही नहीं थे, मैंने तो एम ही सारे पेपर दे दिए थे, तो फिर तो मेरा रिजल्ट ख़राब आ जाएगा। अब आपने सोच रखा है DU का, आपने सोच रखा है कोई और बड़े कॉलेज का, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में खुद CBSE ने ही तरीका सुझाया है, उन्होंने ये बोला है कि जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं है अपने रिज़ल्ट से, मतलब जो CBSE अपना रिज़ल्ट प्रिपेयर करेगी और जो बच्चे रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो लोग वापस से एग्ज़ाम में रीअपियर हो सकते हैं। कब? जब पेंडेमिक जो होगा हमारा वो ओवर हो जाएगा, करेक्ट, जब थोड़ा सा ये सारे केसेस कम हो जाएंगे, जब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज्ड हो जाएंगी, उस फिर आप जो हैं उस चीज़ के लिए वापस से इनरोल करके आप वापस से पेपर दे सकते हैं, और फिर अपना आप रिज़ल्ट अपने बेसिस पे बनाइए, अपने परसेंटेज के बेसिस पे, अपने नंबर के बेसिस पे, अपनी पढ़ाई, अपने दम पे, ठीक, और वो जो रिज़ल्ट आएगा उसके बेसिस फिर आप करिएगा। और जिन लोगों को तो एकदम, जिन्होंने पढ़ा नहीं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा सा रिज़ल्ट बन के आ जाएगा, आप उससे खुश रहिए। नहीं खुश है तो आप फिर से पेपर दे दीजिए, और आपका जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो 31st of July को आ जाएगा, करेक्ट, 31st of July को आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। आप रिज़ल्ट देखिएगा, अच्छा लगे तो मत दीजिएगा पेपर, नहीं अच्छा लगे तो फिर से पेपर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो लाइक अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़
जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बताइए इस बारे में, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।